आज इस वीडियो में मैं आपको जी सोलर चार्ज कंट्रोलर के बारे में बताने वाला हूँ। ये सोलर चार्ज कंट्रोलर काफी ज्यादा यूनिक होने वाला है। इसमें आपको ऐसे फीचर देखने को मिल जाते हैं जो आपको मार्केट में अवेलेबल अदर सोलर चार्ज कंट्रोलर में देखने को नहीं मिलते हैं। तो अगर आप इसको परचेज करते हैं तो मैं बोलूंगा कि आप पूरी तरह से आजाद फील करने वाले हैं, क्योंकि इसकी ऐसी खासियतें हैं जो इसको डिफरेंट कर देती हैं मार्केट में अवेलेबल अदर सोलर चार्ज कंट्रोलर के कंपैरिजन में। मार्केट में आपको इस समय दो टाइप के सोलर चार्ज कंट्रोलर मेनली देखने को मिलते हैं। मैं यहाँ पर टेक्नोलॉजी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ इनके बैटरी सपोर्ट के बारे में। पहले टाइप्स के जो मिलते हैं उनमें आपको 12 वोल्ट या 24 वोल्ट का सपोर्ट मिलता है, मतलब इनमें आप सिंगल बैटरी या डबल बैटरी का यूज करते हैं। वहीं आपको जो दूसरा टाइप मिलता है उसमें आपको 24 वोल्ट और 48 वोल्ट का सिस्टम मिलता है, मतलब इसमें आप दो बैटरी या चार बैटरी को इंस्टॉल कर सकते हैं। पर यहाँ पर जो मेजर प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि अगर मुझे आज एक सिंगल बैटरी यूज करनी है और इन फ्यूचर में अपने आप को दो बैटरी या तीन बैटरी पर शिफ्ट करना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पर अपने कंट्रोलर को बदलना पड़ेगा, क्योंकि एक सिर्फ मैक्सिमम दो बैटरी को सपोर्ट करता है और दूसरा मिनिमम दो बैटरी से लेकर मैक्सिमम चार बैटरी तक जाता है। पर जिस कंट्रोलर के बारे में मैं आपको बताऊंगा, ये कंट्रोलर आपकी हर वो नीड फुलफिल करने की कैपेसिटी रखता है जो आपकी होने वाली है। मतलब अगर मैं चाहता हूँ मैं आज एक सिंगल बैटरी का यूज करूँ तो मैं इस पर सिंगल बैटरी लगा सकता हूँ, और इन फ्यूचर अगर मैं चाहूँ तो इस पर चार बैटरी तक इंस्टॉल कर लेता हूँ। इस पर आपको पैनल सपोर्ट बढ़ाने की कैपेसिटी भी बैटरी के अकॉर्डिंग देखने को मिल जाती है। तो वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, हर एक चीज पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा। इसके साथ इसके प्राइसेस, टेक्नोलॉजी और पैनल सपोर्ट के बारे में पूरा डिटेल से बात होने वाली है, तो आप लोग वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके साथ अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे, ये जानकारी अच्छी लगे तो दोस्तों वीडियो को शेयर भी करिएगा और लाइक करना मत भूला करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करने का काम करता है। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम बैक अगेन। दोस्तों मेरा नाम है सूर्यांश और आप देख रहे हैं मेरा टेक चैनल टेक आई सूर्यांश। आज इस वीडियो में मैं जिस सोलर चार्ज कंट्रोलर के बारे में बात करने वाला हूँ वो आता है हमारा आशा पावर कंपनी की तरफ से, और ये है हमारा आशा पावर का नियॉन 80 LV। इसमें आपको दो मॉडल देखने को मिल जाते हैं, एक LV एंड एक HV। LV HV में सिर्फ इनकी VOC का फर्क है, एक में आप तीन पैनल सीरीज में लगा सकते हैं और LV वाले में आपको दो पैनल सीरीज में कनेक्ट कराने हैं, उसके बाद इन पर आप पैरेलल की इंस्ट्रिंग्स बनाकर इनको ओवरऑल कनेक्ट करा सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं एक एक करके इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये सोलर चार्ज कंट्रोलर हमारा 12 वोल्ट से लेकर 48 वोल्ट तक सपोर्ट करता है, मतलब इस पर आप एक बैटरी, दो बैटरी, तीन बैटरी और चार बैटरी को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आपको इन फ्यूचर में कभी भी दूसरा सोलर चार्ज कंट्रोलर परचेज नहीं करना पड़ेगा। इसको खरीदने के बाद आपकी काफी ज्यादा बचत हो जाने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं इस कंट्रोलर की VOC के बारे में। दोस्तों अगर आप यहाँ पर एक 12 वोल्ट की मतलब सिंगल बैटरी लगाते हैं तो यहाँ पर आपको 120 VOC मिल जाती है, और इसके बाद आप 24 वोल्ट पर 150 VOC के साथ पैनल को लगा सकते हैं, और यही चीज आपको 36 वोल्ट और 48 वोल्ट पर देखने को मिलेगी जिसमें आपकी VOC कांस्टेंट रहेगी, मतलब यहाँ पर आपको 150 VOC देखने को मिलेगी जिसके अकॉर्डिंग आप अपने पैनल को इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको और बता दूं, इस सोलर चार्ज कंट्रोलर पर आप सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के सभी पैनल को इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको किसी भी टाइप की प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, चाहे वो 144 सेल का पैनल हो या मोनो पर बाइफेसियल पैनल हो, ये सभी पैनल इसकी VOC रेंज के अंदर आ जाते हैं। बात करते हैं पैनल सपोर्ट के बारे में। इस सोलर चार्ज कंट्रोलर पर आपको अच्छा खासा पैनल सपोर्ट देखने को मिल जाता है। अगर आप सिंगल बैटरी लगा रहे हैं तो इस पर आप 1200 वाट तक के पैनल लगा सकते हैं, जो कि काफी ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं। इससे आप अपने पूरे दिन का घर का लोड भी चला पाएंगे और आपकी बैटरियां भी आसानी से चार्ज होती रहेंगी। वहीं अगर आप यहां पर 24 वोल्ट का सिस्टम लगाते हैं तो यहां पर आपको 2000 वाट तक के पैनल का सपोर्ट मिल जाता है। आप इस पर मोनोक्रिस्टलाइन, पॉलीक्रिस्टलाइन, बाइफेसियल किसी भी टाइप के पैनल को इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप ये सिस्टम 3 किलो वाट तक ले जाते हैं तो यहाँ पर आपको 3000 वाट के पैनल और 4 बैटरी या 4 किलो वाट के सिस्टम तक आपको 4000 वाट तक के पैनल देखने को मिल जाते हैं। तो पैनल के अकॉर्डिंग भी ये काफी ज्यादा सफिशियंट सोलर चार्ज कंट्रोलर होने वाला है। तो यहाँ पर आपको कभी ये नहीं लगेगा कि आपका सोलर चार्ज कंट्रोलर कम पैनल को सपोर्ट करता है। सोलर चार्ज कंट्रोलर में आपको चार्जिंग के भी कई मोड देखने को मिल जाते हैं।
अगर आपकी बैटरियां बिल्कुल डिस्चार्ज हैं तो यह आपकी बैटरी को बल्क मोड पर चार्ज करेगा। वहीं अगर बैटरियां आपकी एक लिमिटेड एम्पियर के ऊपर चार्ज हो गई हैं तो वहां पर ये उसको फ्लैट मोड पर डाल देगा। और आप ये सेटिंग अपने हाथ से कर सकते हैं, मतलब आप जितने पर चाहें अपनी बैटरी को सेट कर सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग ये चार्ज कंट्रोलर काम करने वाला है। इस सोलर चार्ज कंट्रोलर पर आपको 80 एम्पियर की करंट रेटिंग देखने को मिल जाती है, जो कि मार्केट में अवेलेबल काफी कम ऐसे सोलर चार्ज कंट्रोलर है जिनमें आपको इतनी कैपेसिटी देखने को मिलती है। आप ये तो जान ही गए होंगे कि ये MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर है, इसकी ऐसी खूबियां आपको इसको परचेज करने के लिए काफी ज्यादा प्रोत्साहित करेंगी। सोलर चार्ज कंट्रोलर के ऊपर आपको 2x16 का LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको काफी सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। दोस्तों इसमें आपको करीब 10 सेटिंग्स मिल जाती हैं जिनको आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। अगर पैनल सपोर्ट की बात करें तो वो भी काफी अच्छा है, पर इसका प्राइस आपको थोड़ा सा ज्यादा जरूर लगेगा। पर मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आप इसको एक बार खरीद लेते हैं तो आप पूरे तरह से फ्री हो जाने वाले हैं। आप अगर एक बैटरी चाहें तो एक बैटरी, और अगर आप चाहें चार बैटरी तो आप इस पर चार बैटरी भी इंस्टॉल कर सकते हैं। पर आपको एक अच्छी चीज देखने को मिलती है, यहाँ पर आप इस पर सीरीज और पैरेलल दोनों पे कनेक्शन कर सकते हैं, दोनों की स्ट्रिंग्स बनाकर कनेक्शन कर सकते हैं, जिससे आपको अच्छा वोल्टेज ही मिलेगा और अच्छा एम्पियर भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो ओवरऑल बात हो गई इसके सभी फीचर्स के बारे में, अब बात करते हैं इसके प्राइस की। तो इस सोलर चार्ज कंट्रोलर का प्राइस 13,000 समथिंग रुपीज होने वाला है, और अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो आप आशा पावर की साइट पर जा सकते हैं, वहां पर आपको ये देखने को मिल जाएगा, आप वहां से ही परचेज कर लेंगे। अगर सर्विसेज की बात की जाए तो इनकी सर्विसेज काफी अच्छी मुझे लगी देखने में, और इनका कस्टमर सपोर्ट भी काफी अच्छा है। तो अगर आप भी चाहते हैं अपने सिस्टम को सोलर सिस्टम में बदलना तो आप कम इन्वेस्टमेंट में भी एक अच्छा सोलर चार्ज कंट्रोलर परचेज कर सकते हैं, और इन फ्यूचर अपने सिस्टम को बड़ा कर सकते हैं, जिसमें आपको किसी भी प्रकार के रिप्लेसमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं आने वाली है। तो इसी जानकारी के साथ करते हैं वीडियो को समाप्त। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपको सिर्फ कोर नॉलेज देने की कोशिश करता हूं, जिससे आपका बजट भी कम लगे और आपको अच्छा आउटपुट देखने को मिल जाए।